दोस्तों एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 अब किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर पर नहीं दिखेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के 3 साल बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल में उनके योगदान को सम्मान देते हुए विश्व कप विजेता कप्तान द्वारा पहने गए नंबर को रिटायर्ड करने का फैसला लिया है। इससे पहले इस सम्मान को एकमात्र क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2017 में दिया गया था। बता दें कि सचिन तेंदुलकर के सिग्नेचर जर्सी नंबर 10 को भी हमेशा के लिए रिटायर्ड कर दिया गया था। बता दें कि क्रिकेट बोर्ड ने युवा खिलाड़ियों और वर्तमान भारतीय टीम के खिलाड़ियों को एमएस धोनी की नंबर 7 जर्सी नहीं चुनने के लिए कहा है। बीसीसीआई ने खेल में धोनी के योगदान के लिए उनकी टी शर्ट को रिटायर्ड करने का फैसला लिया है। इसके बाद से किसी नए खिलाड़ी को नंबर 7 नहीं मिल सकता और जर्सी नंबर 10 पहले से ही इस लिस्ट से बाहर है। बता दें कि इस फैसले को तब लिया गया था जब 2017 में मुंबई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर नंबर 10 पहनकर मैदान में उतरे थे और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों द्वारा उन्हें ट्रोल किया गया था। सचिन बनने की कोशिश, ये हैशटैग तब ट्रेंडिंग में था। इसके बाद बीसीसीआई ने पहली बार तेंदुलकर के नंबर 10 को रिटायर्ड करने का फैसला किया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के जर्सी नंबर को भी रिटायर्ड किया जाएगा? क्या उनके फैंस ये डिमांड कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।